बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? ओके, तो आज हम करेंगे कक्षा 3 में इंग्लिश। यहाँ पे देखिए, ये चित्र दिया है, चित्र में रंग भरिए और कविता गाइए। तो मैं आज आपको कविता पढ़ के सुनाती हूँ। इस चित्र में आपके मनपसंद कलर भरना, मैं भी भरूंगी पर कल भरूंगी। ओके बच्चों, तो चलो फिर मैं आपको उसका फोटो डालूंगी, चित्र में कैसे कलर भरे मैंने, तो आप आपके हिसाब से उसमें आपके पसंद के कलर भर देना। ओके बच्चों, तो देखिए मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ और आप मेरे पीछे पीछे पढ़ना है। मैरी हैड अ लिटल लैम्ब। अब देखिए, आपको यहाँ पे हिंदी उच्चारण दिए है, यहाँ पे हिंदी उच्चारण देखिए, मतलब इंग्लिश में है पर हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मैरी हैड अ लिटल लैम्ब। ओके, तो यहाँ पे कुछ शब्द आपको इंग्लिश में अगर नहीं आते हैं तो आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो वह आपको आ जाएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए हम पढ़ते हैं। मैरी हैड अ लिटल लैम्ब, मैरी हैड अ लिटल लैम्ब, लिटल लैम्ब, लिटल लैम्ब, लिटल लैम्ब, लिटल लैम्ब, मैरी हैड अ लिटल लैम्ब, मैरी हैड अ लिटल लैम्ब, इट्स प्लेस वॉज वाइट एज स्नो, वाइट एज स्नो। स्नो यानी स्नोफॉल होता है ना, यानी छोटे छोटे बर्फ, छोटा बर्फ यानी बारिश जैसा बर्फ होता है ना, स्नोफ्लो उसे कहते हैं स्नो, और वाइट यानी सफेद। ओके, तो एवरीवेयर दैट मैरी वेंट, एवरीवेयर दैट मैरी वेंट, 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 एवरीवेयर दैट मैरी वेंट, द लैम्ब वॉज श्योर टू गो, द लैम्ब वॉज श्योर टू गो, इट्स फॉलो हर टू स्कूल वन डे, इट्स फॉलो हर टू स्कूल वन डे। यानी वह क्या हुआ, वह उसके पीछे पीछे आ गई। तो स्कूल वन डे, इट्स फॉलो हर टू स्कूल वन डे, विच वॉज अगेंस्ट द रूल्स, इट्स मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले, इट्स मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले, टू सी अ लैम्ब इन स्कूल। मतलब वह वहाँ पे कौन आ गया था स्कूल में, दिख रहा है आपको ये छोटा सा लैम्प यानी भेड़ का बच्चा, उसके पीछे पीछे स्कूल आ गया था। तो आपको इसे गीत की तरह याद करना है और बोलना है। चलो अब आगे दिखते हैं, और वो था हमारा पेज नंबर 16 और ये है हमारा पेज नंबर 18। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, दिस इज अ ट्रक, इट इज हियर, दैट इज एन अम्ब्रेला, इट इज देयर, दैट इज ए कैट, इट इज देयर, दिस इज एन एप्पल, इट इज हियर, दिस इज ए बॉक्स, इट इज हियर, दैट इज एन एलिफेंट, इट इज देयर, दिस इज अ बुक, इट इज हियर, दैट इज एन ऑरेंज, इट्स इज देयर, दिस इज ए पेन, इट इज हियर, दैट इज ए बोट, इट इज देयर। ओके चलो अभी आगे पढ़ते हैं। माई हाउस इज रेड, अ लिटल हाउस। मेरा घर कैसा है, तो लाल रंग का है पर छोटा है, अ लिटल हाउस, छोटा घर है। तो ए हैप्पी चाइल्ड आई एम, मतलब मैं खुश हूँ, खुश वाला बच्चा हूँ, खुश वाला बालक हूँ। आई लाफ एंड प्ले, मैं हंसती हूँ, खेलती हूँ, द होल डे, पूरे दिन में क्या करती हूँ, तो हंसती हूँ, खेलती हूँ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। वैसे ही आई हार्डली एवर क्राई, आई हैव अ ट्री, ए ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन,
फ्रॉम द सन एंड अंडर इट फ्रॉम द सन एंड अंडर इट आई ऑब्टेन्स इट व्हेन ऑल माय प्ले इज डन आई ऑब्टेन्स इट When all my play is done. Okay, बच्चों तो आपको इसे इंग्लिश में पढ़ना है और वह आपको अच्छे से आ जाएगा. तो चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर देख लेते हैं. हमारा पार्ट है 6. देखिए यह क्या है. What is this? तो ये क्या करना है हमें, देखिए तो इसका करना है, ये प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज दिस. तो दिस इज एन एलिफेंट. यहाँ पे एन क्यों लगाया है, तो यहाँ पे ई आया है. वॉल होते हैं ना, ए ई आई ओ यू. इनके आगे क्या आता है, एन, और बाकी शब्दों के आगे ए आएगा. याद रखना है A E I O U. इनके आगे क्या आएगा, A N, और बाकी सब क्या आगे आएगा, A. ओके बच्चों, तो व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो दिस इज एन एलिफेंट. व्हाट इज दिस, दिस इज ए बर्ड. ये क्या है, स्पैरो है, मतलब चिड़िया, स्पैरो, पर यहाँ पे बर्ड बोला है तो पक्षी. तो व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो यह पक्षी है, दिस इज ए बर्ड. अब देखिए नीचे वाला चित्र, यह है एप्पल का, तो व्हाट इज दैट, यह क्या है, व्हाट इज दैट, दैट यानी वह क्या है, तो दैट इज एन एप्पल. यहाँ पे क्या आया, एन एप्पल यानी यह सेब है. ओके, व्हाट इज दैट, यह क्या है, दैट इज ए मंकी, वह बंदर है. ओके बच्चों, देखिए वस्तु पक्षी प्राणी के बारे में जानने के लिए व्हाट द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, उनके स्थान उनके साथ धीस अथवा दैट का प्रयोग किया जाता है. प्राणी पक्षी और पशु, इनके बारे में अगर हमें जानना हो तो किसका उपयोग होता है, तो व्हाट का, और उसके साथ क्या लगाया जाता है, तो धीस आर दैट या धीस या अथवा दैट. तो these are that के साथ to be क्रियापद का वर्तमान काल का वचन, वर्तमान काल का एक वचन का रूप is जाता है. तो these are that के साथ to be क्रियापद क्या लगेगा, तो this is, that is, this is है ना लिखा हुआ आगे, तो वैसे this is, that is. ओके, अब देखिए is this a book, क्या यह पुस्तक है, तो जवाब क्या आएगा, यस दिस इज ए बुक, हाँ यह पुस्तक है, यस इट इज, यह भी चलेगा कि हाँ पुस्तक है. और ये वाला प्रश्न देखिए, इज दैट एन एप्पल, यह एप्पल है क्या, क्या वह सेब है, तो नो दैट इज नॉट ऑन एप्पल, नो इट इज नॉट, नो इजंट, isn't यानी is not, मतलब isn't. ओके, तो यह सेब नहीं है, एप्पल नहीं है. ओके बच्चों, तो आगे जो प्रश्न दिए है देखिए, इसमें मैंने पेन से किया है, मैं आपको इसकी PDF डालूंगी. What is this? This is an apple. What is that? That is a bat. What is this? This is a bus. ऐसे ओके, आगे वाले वाक्यों की मैं आपको PDF डालूंगी और आपको बोर्ड पे भी करवाऊंगी. तो आपने क्या करना है बच्चों, इसका रिवीजन करना है और उसे स्पेलिंग के साथ याद करना है. ओके बच्चों, तो अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना. बाय बच्चों.